चलिए बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन की। देखिए, हमने देखा एज ए फाइनेंस मैनेजर को तीन डिसीजंस लेने होते हैं। पहला डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड डिसीजन जो होता है फाइनेंसिंग डिसीजन कि कौन से सोर्स से हम कितने फंड्स रेज करें और कितने फंड्स की हमें ज़रूरत है, और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन जिसमें फाइनेंस मैनेजर ये डिसीजन लेता है कि जो भी कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए हैं, प्रॉफिट्स का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से कितना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एज डिविडेंड और कितना पार्ट जो है बिजनेस में रिटेन किया जाए। देखिए, जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आते हैं उसका एक पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एज डिविडेंड और एक बार बिजनेस में रिटेन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसको आप वेरियस रिजर्व्स के नाम से P&L, जनरल रिजर्व, इस फॉर्म में बिजनेस में रखते हैं। साथ साथ नोट करते रहिए। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, तो देखिए डिविडेंड देने के आपको पता है बड़े सिंपल से दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज कैश डिविडेंड, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म ऑफ डिविडेंड है। इसमें कंपनी जो है पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, 2 रुपये पर शेयर, 1 रुपये पर शेयर, 50 पैसे, 10 रुपये, व्हाटसोएवर। और नेक्स्ट क्या होता है, जब कंपनी के पास कैश क्राइसिस होता है, कंपनी पे कैश नहीं होता तो, और बहुत ज़्यादा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स बैलेंस शीट में इकट्ठे हो जाते हैं, P&L एंड जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन साइमल्टेनियसली उतना कैश नहीं होता क्योंकि कैश जो है वो फिक्स्ड असेट्स के अंदर या वर्किंग कैपिटल के अंदर फंस चुका होता है। तो उस केस के अंदर कंपनी क्या करती है कि आउट ऑफ दिस P&L एंड जनरल रिजर्व बोनस इशू दे देती है, और बोनस इशू जो है वो एक तरह से कंपनसेट करता है। दो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया कैश में, बट अगर कंपनी ने बोनस इशू भी दे दिया, फ्री में शेयर्स भी बांट दिए, तो वो भी एक तरह से कंपनी के लिए डिविडेंड का काम करता है। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ शेयर्स इन लीव ऑफ कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड की जगह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स जो है दैट कैन ऑल्सो वर्क एज ए डिविडेंड, बट कॉमन फॉर्म कैश ही रहती है। अब इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रिटेन्ड अर्निंग्स एंड ग्रोथ। आपको एक छोटे से सिंपल से एग्जाम्पल से समझाते हैं। सपोज दो कंपनीज हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड की पिछले साल जो अर्निंग्स थी वो थी 10 लाख रुपये और डिविडेंड बांटा था कितना, 10 लाख रुपये पूरा का पूरा। रिटेन्ड अर्निंग्स उन्होंने कुछ भी नहीं रखी। इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड जो थी ए लिमिटेड की वो थी 50 लाख। ऐसी जो बी लिमिटेड है उसकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी वो कितनी थी, 50 लाख, ठीक है। उसकी भी अर्निंग्स 10 लाख थी, उसने 5 लाख रुपए डिविडेंड बांटा और 5 लाख रुपए बिजनेस में रिटेन किया, मतलब 50% डिविडेंड बांटा, 50% बिजनेस में रिटेन किया। अब करंट ईयर देखिए, कैपिटल एग्जिस्टिंग 50 लाख है क्योंकि इन्होंने सारा का सारा डिविडेंड बांट दिया था, कुछ भी निल रिटेन्ड अर्निंग्स रखी थी नील, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 50 ही रहेगी। लेकिन बी के केस में 50 लाख एग्जिस्टिंग कैपिटल थी, 5 लाख रुपए की रिटेन्ड अर्निंग्स थी, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई, 55 लाख रुपीस, क्योंकि इन्होंने बिजनेस में रिटेन करा था। अब देखिए, 50 लाख की कैपिटल पे ये 10 लाख रुपए कमा रहे थे, तो अगर इनका रिटर्न देखा जाए, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं ऑन 50 लाख × 100, सो दिस कम्स आउट टू बी 20%, येस और नो। तो अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 50 लाख का 20% ये इस बार कमाएंगे 10 लाख, और ये 55 लाख का 20% कितना कमाएंगे, 11 लाख, येस और नो। नाउ सी, इस कंपनी ने 50% रिटेन किया तो इसकी अर्निंग्स ज़्यादा आई, और इसने रिटेन नहीं किया तो इसकी अर्निंग्स कॉन्स्टेंट आई। अगर आप फॉर्मूले की बात करें, ग्रोथ इज इक्वल्स टू रिटेंशन रेशो इनटू रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटेंशन रेशो की अगर हम बात करें तो 10 लाख में से इन्होंने 50% रिटेन किया, 50% बांट दिया, तो रिटेंशन रेशो इज हाउ मच, 0.5, 50%, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज 20%, हेयर कम्स आउट टू बी हाउ मच, 0.2, ठीक है, 0.5 × 0.2 अगर आप करें तो दिस कम्स आउट टू बी 0.1, और यू कैन कॉन्क्लूड इट टू बी 10%, ठीक है। तो अगर आप ग्रोथ की भी बात करें तो यहाँ देखिए, 10 लाख से 11 लाख हुआ, मतलब कंपनी की जो ग्रोथ हुई वो कितनी हुई, 10% हुई, येस और नो, शो। तो आपको सिंपल सी चीज़, बेशक आप इसको नोट डाउन ना करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि ग्रोथ जो है वो किसके इक्वल है, रिटेंशन रेशो इंटू रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर। समझ में आई बात, तो फटाफट एक बार जो है आप यहाँ तक सारा का सारा नोट करिए फास्ट।
चलिए बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन की। देखिए देर आर वेरियस फैक्टर्स जो डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, उसमें से जो ब्रॉड और मेन फैक्टर्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, द वेरी फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। देखिए कहीं ना कहीं अगर आपको डिविडेंड देना है, आप हर बार बोनस शेयर्स नहीं दे सकते, आपको कैश डिविडेंड भी देना पड़ेगा और कैश डिविडेंड पे करने के लिए आपके पास कैश भी होना चाहिए। तो वेदर यू हैव द सफिशियंट अमाउंट ऑफ फंड्स टू पे आउट द कैश डिविडेंड, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, अगर कंपनी जो है वो डेट से इजीली फंड रेज कर सकती है एंड इट इज़ वेरी मच पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर अर्निंग्स, तो वो हमेशा कोशिश करती है कि वो डेट के लिए जाए, क्योंकि डिविडेंड देने का जो इशू है उसके अंदर कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाता है। देखिए डेट जो होता है वो कंपैरेटिवली चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं डेट के मुकाबले, तो अगर कंपनी डेट फंड रेज कर सकती है, पॉजिटिव है फ्यूचर अर्निंग्स के लिए, तो इट विल गो फॉर डेट ऑल्सो। सेकेंड इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें बेसिकली क्या है, अगर कंपनी अपनी फ्रेश फंडिंग, जो उसे फ्रेश फंड्स चाहिए न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, अगर वो डेट से रेज कर सकती है तो वो डिविडेंड बांटने में हिचकिचाएगी नहीं, लेकिन अगर उसे फ्रेश फंड्स डेट से नहीं ले सकती और उसे इक्विटी ही रेज करनी पड़ेगी, तो बिफोर इक्विटी दे विल प्रेफर टू गो फॉर रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड इन दिस केस दे विल प्रेफर कि डिविडेंड कम से कम बांटा जाए और बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन किया जाए। तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है, फ्रेश फंड्स अगर चाहिए और आप डेट से ले सकते हो तो कंपनी को कोई इशू नहीं है, ठीक है, कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी के पास फ्रेश फंड्स डेट से नहीं आ सकते, उसे इक्विटी के लिए जाना पड़ेगा, तो दे विल प्रेफर टू रिटेन द अर्निंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूट लेस डिविडेंड। समझ में आई बात? शो जस्ट मैं आपके साथ एक बेसिक चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन भी आपको ध्यान में रखना होता है कि अगर आपका एक पैटर्न चला आ रहा है डिविडेंड पे करने का और आप इस साल डिविडेंड नहीं देते हो तो स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या होगा, कहीं आपके स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा के जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन ना आ जाए। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्री, कि जो आपकी राइवल फर्म्स हैं वो क्या ट्रेंड फॉलो कर रही हैं, वो डिविडेंड पे करती हैं, कितना पे करती हैं, क्या रेशो रहता है, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू सी। लीगल कॉन्स्टेंट्स लाइक कंपनीज एक्ट 2013 एंड इनकम टैक्स एक्ट, जैसे आपको कंपनीज एक्ट में कि आपको डिविडेंड जो है वो करंट ईयर प्रॉफिट में से ही दे सकते हैं, पास्ट ईयर प्रॉफिट में देना है तो देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस अबाउट दैट, तो देर आर सर्टेन लीगल कॉन्स्टेंट्स ऑल्सो वेन वी आर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। देर आफ्टर शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, दिस इज समथिंग फॉर ग्रेट यूज, ध्यान से देखें, शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर हम बात भी करेंगे। अगर आपकी ग्रोथ कंपनी है जहाँ पर शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया इस कंपनी में भी बहुत ग्रोथ है, तो दे विल प्रेफर टू हैव लेस डिविडेंड, और वो चाहेंगे कि आप कंपनी जो भी कंपनी कमाई करे वो बिजनेस में ही लगाती रहे और बिजनेस ग्रो करे। बट अगर कंपनी मैच्योर है, मतलब उसका और फर्दर आगे कुछ उसमें स्कोप नहीं है, तो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही इसी पर्पस से करते हैं ताकि डिविडेंड मिलता रहे। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, अब इंडियन ऑयल जो है दीज आर द मैच्योर कंपनीज, यहाँ पे लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो इनका एक मकसद होता है कि ठीक है एक डिविडेंड आता रहेगा और थोड़ा थोड़ा प्राइस फ्लक्चुएशन होता रहेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करते हैं मिड कैप कंपनीज की, जो मिडल लेवल पे जो आती हैं वो ग्रोथ कंपनीज मानी जाती हैं, वहाँ शेयर होल्डर्स डिविडेंड कम एक्सपेक्ट करते हैं, दे एक्सपेक्ट कि जो भी पैसा है वो कंपनी में लगता रहे। जैसे यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, एग्जाम में आ भी सकती है और ना भी आए तो आपको पर्सनल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, डिविडेंड पैटर्न कैसा रहता है मैच्योर कंपनीज और ग्रोथ कंपनीज के बीच में। मैच्योर कंपनीज की अगर बात करें, हैविंग फ्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज विल शो हाई पे आउट रेशो, क्योंकि उन पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं तो उनका पे आउट रेशो हमेशा ज़्यादा रहेगा। ग्रोथ कंपनीज ऑन दी अदर हैंड हैव लो पे आउट रेशोज, दे आर इन नीड ऑफ फंड्स टू फाइनेंस फास्ट ग्रोइंग फिक्स्ड एसेट्स, और ग्रोथ कंपनी में हमेशा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट बहुत मोटा होता है तो वो इसलिए नहीं कर पाते। शेयर प्राइजेस ऑफ सच कंपनीज आर सेंसिटिव टू डिविडेंड चार्जेस, कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया तो स्टॉक मार्केट रिएक्शन बहुत रिवर्स आता है, और जैसा भी हमने डिस्कस भी किया इनको कंसिस्टेंट डिविडेंड देना ही पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग रिड्यूसेस द फंड्स ऑफ द कंपनी, दे रिटेन ऑल द अर्निंग्स एंड डिक्लेयर बोनस शेयर टू ऑफसेट द डिविडेंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर, और जनरली ग्रोथ कंपनी जो है वही बोनस शेयर्स पे जाती है क्योंकि उनका कैश जो है फिक्स्ड एसेट वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक हो रहा होता है।
सो अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द अर्निंग्स आर कैप्ड टू मीट इमरजेंट एंड ओकेशनल फाइनेंशियल. सिर्फ स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्निंग्स रखा जाता है रिजर्व्स में. दीज कंपनीज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड ग्रेजुअली एज द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट फॉलिंग. मतलब जैसे जैसे ये ग्रोथ से मेच्योरिटी की स्टेज में जाते हैं, अगर आपको याद हो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी आप पढ़ते थे एक चीज, तो जैसे जैसे आप ग्रोथ से मेच्योरिटी की स्टेज में जाते हो वैसे वैसे आप जो डिविडेंड के अमाउंट्स बढ़ाते चले जाते हो. क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम होती चली जाती हैं. तो दिस इज़ समथिंग गुड फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, और ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी चाहिए अच्छे से. इसके बाद हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ डिविडेंड की, जिसमें हम देखेंगे इररेलीवेंस थ्योरी, रेलिवेंस थ्योरी. इररेलीवेंस थ्योरी कहेगी कि डिविडेंड इररेलीवेंट है, आप कुछ भी दो या ना दो, दिस इज़ MM अप्रोच. और रेलिवेंस थ्योरी जो कहेगी डिविडेंड बहुत मैटर करता है, और इस पर हम पढ़ेंगे वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल. तो उससे पहले आप ये सारी चीज़ें जो है एक बार नोट डाउन कर लीजिए फास्ट. चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे MM अप्रोच की. देखिए तीनों अप्रोचेज एंड मॉडल के अंदर जो है इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज डेवलप करी. एंड प्रैक्टिकली देखिए, अगर आप कहें कि प्रैक्टिकली ये थ्योरी कितनी अप्लाई होती है, समझने के लिए अच्छा है डिविडेंड पैटर्न को, बट प्रैक्टिकली कोई कंपनी इन अप्रोचेस को फॉलो करते हुए डिविडेंड देती है, दिस इज समथिंग हार्ड टू बिलीव. एंड हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तक अपनी डिस्कशन रखनी है कि क्या क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं और क्या इनके फॉर्मुलेज हैं. हम अपनी डिस्कशन वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा इन डेप्थ जाना इस चैप्टर के अंदर दैट विल बी कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम. नाउ MM अप्रोच क्या कहती है, ध्यान से देखिए कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय डिविडेंड डिसीजन. जो कंपनी का शेयर प्राइस है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि डिविडेंड साइज क्या है. अब देखो पहली थ्योरी इसकी यही है, और ये रेलिवेंस थ्योरी इसीलिए बोला गया क्योंकि ये मानते थे कि डिविडेंड इररेलीवेंट है. इन्होंने अजम्पशन ली कि प्रैक्टिकली मतलब कोई टैक्स नहीं होता, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नाम की चीज़ नहीं होती, कोई रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी नहीं होता. अब देखो आज के एनवायरनमेंट में तीनों अजम्पशंस लेना कितनी खतरनाक है, आप समझिए. कोई टैक्स नहीं है, इज इट पॉसिबल, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, कितनी फ्लोटेशन कॉस्ट कंपनी को बियर करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, नो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. आज का बिजनेस एनवायरनमेंट जितना अनसर्टेन है आई थिंक हो ही नहीं सकता. तो तीनों एजम्पशंस वही आते हैं, इसलिए मैंने बोला प्रैक्टिकली से अप्रोचेस फॉलो होती होंगी, इट इज समथिंग हार्ड टू बिलीव. एडवांटेजेस है कि ठीक है अपनी तरफ से लॉजिकल रखा, एक सेटिस्फैक्टरी फ्रेमवर्क दिया. डिसएडवांटेज, ये सारी एजम्पशंस क्वेश्चनेबल हैं और नॉट वैलिड अंडर अनसर्टेनिटी. अब ये हो गया थ्योरी एस्पेक्ट. अब MM अप्रोच ने अपना कुछ फॉर्मूले दिए, ध्यान से देखिए कि जो शेयर प्राइस होता है इन द बिगनिंग, दैट इज शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड प्लस डिविडेंड, डिविडेंड इज द डिविडेंड एट द एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ई, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. सर इसकी डेरिवेशन क्या है, प्लीज़ आप डेरिवेशन देखना चाहते हैं यू कैन रेफर मल्टीपल बुक्स फॉर दैट, बट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वी आर नॉट गोइंग इन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. द रीजन बींग प्रैक्टिकली दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, जैसा कि हमने इसकी एजम्पशंस के अंदर ही देख लिया. तो प्लीज कीप इट अप टू द एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ऑल्सो, एंड डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी ऑन द डेरिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ओके, और इन्होंने एक दूसरा फॉर्मूला दिया वैल्यू ऑफ फर्म का, दैट इज जिसको VF या हम NPO के नाम से बोलेंगे. ये क्या था, N इज नंबर ऑफ शेयर्स जितने हैं कंपनी के बिगनिंग में, डेल्टा N दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू रेज फंड्स, कितने आपने शेयर्स इशू किए फंड्स रेज करने के लिए. तो दिस N प्लस डेल्टा N इज नथिंग बट द टोटल शेयर्स, ठीक है, और उसको आपने इंटू कर दिया P1 से, दैट इज प्राइस एट द एंड, सो दैट आपकी टोटल वर्थ मार्केट में निकल आए. वैसे भी ऐसी निकलती कि कंपनी के जो शेयर्स हैं उसका जो शेयर मार्केट में प्राइस चल रहा है, माइनस आई दैट इज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, कितना आप उसमें से इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उतना पैसा आपका कम हो जाएगा, प्लस अर्निंग्स ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, कितनी आपकी अर्निंग्स इस पूरे साल में होने वाली है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ई, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो ये इन्होंने फॉर्मूला दिया वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का. अब ये दो चीज़ें कैसे अप्लाई होती हैं, किस तरीके से होती हैं, पूरे क्वेश्चन से आपको जो है समझाने की कोशिश करूँगा. पहले जो है आप MM अप्रोच, एजम्पशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और ये फॉर्मूले जो है एक बार आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल से जो है इस पूरे के पूरे पार्ट को हम समझते हैं फास्ट. देखिए AB इंजीनियरिंग लिमिटेड बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच द कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%. ओके, इट करंटली हैज़ आउटस्टैंडिंग 10,000 शेयर्स सेलिंग एट ₹100 ईच. जो 10,000 शेयर्स एट प्रेजेंट है 100 रुपये का बिक रहा है. तो देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको गिवन है,
और आउटस्टैंडिंग 10,000 शेयर्स हैं जो कि 100 रुपये के हिसाब से बिक रहे हैं। द फर्म इज कॉन्टेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर। वो सोच रहे हैं कि ₹5 पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो देखिए डिविडेंड एट द एंड D1 अगर देखा जाए तो वो इन्होंने यहाँ पे दे दिया कितना, D1 इज 5, K इज व्हाट 10%। उसके बाद अगर हम बात करें 10,000, तो दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स। इट एक्सपेक्ट्स टू हैव अ नेट इनकम ऑफ ₹1 लाख एंड हैज अ प्रपोजल ऑफ मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹2 लाख। वो 2 लाख की न्यू इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो दिस इज समथिंग आई एंड दे हैव द अर्निंग्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ₹1 लाख। सो दिस इज 1 लाख रिप्रेजेंट्स अर्निंग्स एंड दिस रिप्रेजेंट्स द इन्वेस्टमेंट्स दे आर प्लानिंग, यस और नो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म व्हेन द डिविडेंड्स आर नॉट पेड एंड पेड। बहुत सिंपल, कुछ नहीं है इसके अंदर, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बस रिलैक्स होकर सुनना है आपने। व्हेन द डिविडेंड इज नॉट पेड, सबसे पहले प्राइस का फॉर्मूला आपने लिखा, यही फॉर्मूला है। सी व्हाट इज द प्राइस, P0 इज व्हाट प्राइस इन द बिगनिंग, सो इट इज 100, यस और नो। P1 दैट इज प्राइस एट द एंड, वो हमें नहीं पता भाई। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, साल की शुरुआत में 10,000 शेयर थे जो 100 रुपए के थे, एट द एंड क्या प्राइस है, वी डोंट नो। केस 1 वी आर अज्यूमिंग डिविडेंड इज नॉट पेड, D1 रिप्रेजेंट डिविडेंड एट द एंड एंड वी आर नॉट पेइंग एनी डिविडेंड, सो इट विल बी 0, 1 एंड K कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10% कम्स आउट टू बी हाउ मच, 0.1, यस और नो। सो इफ यू विल सॉल्व इट, 1.1 × 100, P1 that is price at the end will be what, 110. Now why it is necessary to compute P1, क्योंकि इस फॉर्मूले में आपको यहाँ P1 चाहिए, सब कुछ आपके पास है। And you have, देखिए, and you have how much, 10,000 if you will see, और उसके बाद delta n निकालेंगे, P1 आ गया, I you have, E you have, 1 plus K you have। अब देखिए बड़े आराम से relax होके, कंपनी की earnings कितनी है, 1 लाख रुपए, और कंपनी को न्यू इन्वेस्टमेंट्स कितने की करनी है, 2 लाख रुपए की। तो अर्निंग्स 1 लाख की है, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कंपनी को नए फंड्स कितने चाहिए होंगे, 1 लाख और चाहिए होंगे भाई, अर्निंग्स 1 लाख होंगी जबकि इन्वेस्टमेंट करनी है 2 लाख की, तो एडिशनल फंड्स कंपनी को कितने चाहिए होंगे और, 1 लाख रुपए, यस और नो। हाँ या ना भाई, अभी हमने देखा आउट ऑफ ₹1 लाख नथिंग विल बी पेड फॉर डिविडेंड, यही तो है, डिविडेंड इज नॉट पेड, फर्स्ट केस कर रहे हैं अभी, 1 लाख में से कोई भी डिविडेंड पे नहीं करेगा, देयरफॉर एंटायर अमाउंट इज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। यह आपके लिए लिखा है, एग्जामिनर के लिए मत लिख के आना एग्जाम में। अब आपको 1 लाख रुपए फंड्स चाहिए, यस और नो, और आपका जो शेयर प्राइस चल रहा है एट द एंड हाउ मच इट इज, 110, सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 110, दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर फंड्स, इतने शेयर्स आपको इशू करने हैं, या यू कैन कॉल दिस डेल्टा एन। इट इज वेरी सिंपल कि कितने आपको एडिशनल फंड्स चाहिए, एडिशनल फंड्स जो आपको चाहिए डिवाइडेड बाय P1, इट इज वेरी सिंपल। अब वैल्यू ऑफ फॉर्म का फॉर्मूला आपके पास है, n प्लस डेल्टा n P1 माइनस i प्लस E1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE, ठीक है। n इज 10,000, डेल्टा n इसको हमने एज इट इज लिख लिया ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, P1 इज 110, इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, अर्निंग्स वर 1 लाख, दिस इज 1 प्लस 0.1। नाउ सी 110 इंटू 10,000 अगर आप करेंगे, सो दिस विल बी 11 लाख, 110 से 110 गया, दिस विल बी 1 लाख, माइनस 2 लाख प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.1, सो 112, दिस विल बी 11 लाख बाय 1.1, सो इफ यू विल सॉल्व इट, दिस विल बी हाउ मच, 10 लाख। तो वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आई, 10 लाख रुपए। बहुत सिंपल, आपने क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपने देखा क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या नहीं गिवन, आपने देखा दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दिस इज n, दिस इज समथिंग P0, दिस इज D1, ठीक है, दिस इज समथिंग I, दिस इज समथिंग E, ठीक है। इन द फर्स्ट केस वी आर एज्यूमिंग इट इज नॉट पेड, सो D1 विल बी 0, दैट्स इट। In another case, we have to assume dividend will be paid, when dividend is paid. तो देखिए सब कुछ सेम है, P0 वही 100, बस इस बार D1 5 हो जाएगा क्योंकि हम मान रहे हैं डिविडेंड पे किया गया, 1.1,
दिस विल बी यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा इनटू तो 110 P1 प्लस 5, सो दिस विल बी 105, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पर देखें, जब आपने डिविडेंड पे नहीं किया था तो आपकी अर्निंग्स थी 1 लाख, एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख, तो आपको एडिशनल फंड्स कितने चाहिए थे? 1 लाख। लेकिन क्योंकि सेकेंड केस में आप डिविडेंड पे करने जा रहे हैं 5 रुपये पर शेयर, तो आप पे उतने फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे। एक्सपेक्टेड अर्निंग्स है 1 लाख, आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 10,000 शेयर्स हैं, 5 रुपये पर शेयर आप डिविडेंड दे रहे हैं, तो 50,000 तो यहाँ चला जाएगा, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए सिर्फ 50,000 रुपये बचेंगे, जबकि आपका एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपये। आप देखिए यहाँ पर डिविडेंड नहीं था तो सारा का सारा यूज हो गया, लेकिन यहाँ पर आप टॉप 1 लाख यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ₹50,000 एज अ डिविडेंड, सो ओनली ₹50,000 इज अवेलेबल फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। सो 2 लाख चाहिए, 50,000 यहाँ से आ जाएगा, तो एडिशनल फंड्स अब कितने चाहिए आपको? 1.5 लाख। ये कैसे आए? क्योंकि 2 लाख में से 50,000 रुपये जो है वो आप रिटेन्ड अर्निंग्स में से ले लेंगे। दिस इज समथिंग वी कैन कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स, यस ऑर नो? अब 1,50,000 है और आपका मार्केट प्राइस कितना है? 105, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 105, समझ में आई बात? शो अब अगेन सेम फॉर्मूला, एन प्लस डेल्टा एन पी वन माइनस आई प्लस सी, 10,000, 1,50,000 बाय 105, ये हमने एज इट इज ले लिया फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन। दिस 2 लाख, 1 लाख, 1 प्लस 0.5, सो 10,000 इंटू 105, 10,50,000, 105 से 105 गया, दिस विल बी 150 माइनस 2 प्लस 1, 1.05, एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल फाइंड आउट इट बी 10 लाख। सी इन द बोथ द केसेस, चाहे आपने डिविडेंड नहीं पे किया या डिविडेंड आपने पे किया, इन बोथ द केसेस यू कैन सी दैट वैल्यू ऑफ फर्म इज हाउ मच? 10 लाख। एंड दिस इज समथिंग विच इज द MM अप्रोच सेज कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय द डिविडेंड साइज, जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो हमेशा सेम रहेगी। वैल्यू ऑफ फर्म विल ऑलवेज रिमेन सेम, यही तो कहना चाहते थे MMG। और इसमें सिर्फ ये दो चीज, और इसी तरीके का एक प्लेन क्वेश्चन, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आ सकता। फ्री के नंबर हैं, एकदम फ्री के, जिसे बोलते हैं 5 मार्क का फ्री का क्वेश्चन, यही इन्फॉर्मेशन, और इससे ऊपर कुछ वो बन ही नहीं सकता। देखिए प्रैक्टिकली इस थ्योरी की कोई अप्रोच नहीं है, क्योंकि एजम्पशंस ऐसी खतरनाक ली हैं इन्होंने, जो कि आप समझ सकते हैं आज के टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट आपके उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी थ्योरी है। तो आपने इसे समझा कि वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकालते हैं, और इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको इस पे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं वॉल्टर्स मॉडल। क्या कहता था? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज अफेक्टेड बाय डिविडेंड पर शेयर। मार्केट प्राइस अफेक्ट होता है डिविडेंड पर शेयर से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, एंड रिटर्न कितना है इन्वेस्टमेंट से। इसीलिए हमने इसका नाम दिया था थ्योरी ऑफ रेलिवेंस। आप देखिए रेलिवेंस थ्योरी, डिविडेंड इज रेलिवेंट, अगले दो मॉडल्स वॉल्टर एंड गॉर्डन दोनों में होगा। अभी हम वॉल्टर की बात कर रहे हैं। चलिए अब इनकी एजम्पशन क्या थी कि सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटेन्ड अर्निंग से होंगे। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर भी चलिए एजम्पशन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो कॉन्स्टेंट रहेंगे। प्रैक्टिकली ये भी नहीं होता, क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट इज टू मच अनसर्टेन दैट यू कैन नॉट से कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कॉन्स्टेंट रहेगा। देर आर नो टैक्सेस, देर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट, एंड परपेचुअल लाइफ ऑफ फर्म की, फर्म जो है उसकी नेवर एंडिंग लाइफ है। तो दीज आर 5 assumptions ऑफ वॉल्टर मॉडल जिसपे इन्होंने इसको डेवलप किया। अगर एडवांटेज देखें तो सिंपल है, कंसीडर डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक डिविडेंड पर शेयर के ही फॉर डिसाइडिंग मार्केट प्राइस। वहाँ की तरह नहीं कि डिविडेंड पर शेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता MM अप्रोच में जैसा था। डिसएडवांटेज की बात करें तो टैक्सेशन इग्नोर किया, फ्लोटेशन कॉस्ट, प्रैक्टिकली सारी रिटेन्ड अर्निंग से पॉसिबल नहीं है इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस करना। देखिए थ्योरी पूछी जा सकती है आपसे 3 नंबर तक, तो इसको एटलीस्ट ये मिनिमम थ्योरी है जो आपको पता होनी चाहिए, जिसे आप एटलीस्ट लिख पाएं एग्जाम के अंदर। अब इनका क्या फॉर्मूला था? तो आइए, डिविडेंड पर शेयर ऊपर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दिस इज अर्निंग पर शेयर, दिस इज डिविडेंड पर शेयर, एंड यू नो वेरी वेल हाउ टू कंप्यूट EPS एंड DPS। देखिए डिविडेंड पर जो भी EPS आता है, ठीक है, उसका एक पार्ट जो है वो डिविडेंड की फॉर्म में जाता है और एक पार्ट जो है बिजनेस में रिटेन किया जाता है। सपोज 5 रुपये EPS आया,
कंपनी ने ₹3 पर शेयर डिविडेंड बांटा, तो कंपनी ने ₹2 पर शेयर बिजनेस में रिटेन किया। अब अगेन इसके बेसिस पर बहुत सिंपल से क्वेश्चन हमें देखने हैं। उससे पहले वॉल्टर मॉडल के कुछ रिजल्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ध्यान से देखिए, वॉल्टर मॉडल का क्या कहना था कि अगर आर जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ग्रेटर है, मतलब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके पास आ रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है, आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं आपकी कंपनी से 15%, लेकिन आप तो कमा रहे हैं 20%, तो आप ग्रोथ स्टेज पे, और उस केस के अंदर आपको जीरो डिविडेंड पे करना चाहिए, आपको सारा पैसा बिजनेस में लगा देना चाहिए, कॉन्स्टेंट है, मतलब दोनों सेम है, तो उस केस के अंदर एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम, चाहे आप 20% पे करो, चाहे आप 80% पे करो, एवरी रेशियो इज ऑप्टिमम। बट अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है, रिटर्न कम है, तो आप 100% जो कमाई है वो एज ए डिविडेंड जो है बांट दें। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी में तो ग्रोथ रह नहीं गई, तो शेयर होल्डर्स को अगर 100% आप बांट देंगे तो शेयर होल्डर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट दीज फंड्स एल्सवेयर। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है वॉल्टर मॉडल के अंदर कि ग्रोथ कॉन्स्टेंट एंड डिक्लाइन उन्होंने डिफाइन कर दिया कि ग्रोथ कब है, जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है, दोनों इक्वल है, कॉन्स्टेंट। डिक्लाइन कब है, जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा है, और बता दिया कि किस केस कंडीशन में आपको क्या करना है। अब यहाँ कोरिलेशन गिवन है, कोरिलेशन बिटवीन डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस पर शेयर। देखिए क्या बोला कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है तो जीरो डिविडेंड दो, मतलब कम से कम तो भैया जीरो ही हो सकता, तो मार्केट प्राइस ज्यादा से ज्यादा होगा, मतलब अगर ये स्टेज है तो जितना डिविडेंड आप कम दोगे उतना मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। यहां पे क्या बोला, जितना डिविडेंड ज्यादा दोगे उतना मार्केट प्राइस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भैया आप डिक्लाइन का मतलब हो गया मैच्योरिटी, आप मैच्योरिटी स्टेज में आपसे शेयर होल्डर एक्सपेक्टेड डिविडेंड करते हैं, जितना आप डिविडेंड देंगे उतना आपकी कंपनी के लिए फायदा है, लागे लोग इन्वेस्टमेंट करते रहे और वो डिविडेंड का पैसा शेयर होल्डर कहीं और लगाते रहेंगे, और कॉन्स्टेंट है तो नो कोरिलेशन। इसके ऊपर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है थ्योरी का। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है इसके ऊपर। एक्स वाई जेड लिमिटेड अर्न करती है ₹10 पर शेयर, ओके, कैन आई से दिस इज ईपीएस, कैपिटलाइजेशन रेट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड दिस इज समथिंग हाउ व्हाट आर, इफ यू कैन सी आर इज ग्रेटर देन के ई बिकॉज इट इज 12%, इट इज 10%, सो इट इज इन द ग्रोथ स्टेज, सो ऑप्टिमम पे आउट रेशो शुड बी जीरो कम से कम, यही आपने तो पढ़ा है यहाँ पे अभी, ये सुनो, सो सिंस इट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो इज जीरो अकॉर्डिंग, आप वैल्यूज पुट करिए, अगर आप डिविडेंड जीरो पे करते हैं, फॉर्मूला ये है डी प्लस आर के ई माइनस डी अपॉन के ई जीरो, दिस इज 0.12, दिस इज 0.10, अर्निंग इज 10, डिविडेंड यू आर पेइंग जीरो, दिस इज 0.10, सो प्राइस विल बी 120, डिटरमाइन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो एंड द प्राइस ऑफ द शेयर एट द पे आउट, सो दिस इज 120। आप यहीं पे आंसर छोड़ेंगे एग्जाम में, इट वुड बी सफिशियंट, इससे आगे नहीं करना, जस्ट टू क्रॉस चेक। हम एक बार ये मान के चलते हैं कि हमने 25%, 50%, 75% या 100% डिविडेंड पे किया, लेट्स सी। अब अगर ₹10 ईपीएस है और आप उसमें से 25% डिविडेंड दे रहे हैं, मतलब ₹2.5 पर शेयर जो है आप डिविडेंड दे रहे हैं, 75% मतलब ₹7.5 जो है वो आप बिजनेस के अंदर रिटेन कर रहे हैं, यस नो? तो अकॉर्डिंगली इफ यू विल से दिस फॉर्मूला इज डी प्लस आर के ई ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के ई, सो डिविडेंड यू आर पेइंग 2.5, दिस इज 0.12, अर्निंग इज 10, डिविडेंड इज 2.5 एंड दिस इज के ई, सो यू कैन सी इट इज 150। सेम वे एट 50% यू विल चेक 110, 75% 105, 100% 100, सो यू कैन सी कि मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा कब आया, जब आपका डिविडेंड जीरो था। तो ये जस्ट एक क्रॉस वेरिफिकेशन पर्पस के लिए है ये सारी की सारी चीज, आप सिर्फ एग्जाम के लिए इतना सॉल्यूशन दे के आएंगे, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, गॉट इट?
मेन खेल जो है थ्योरी इसका है कि थ्योरी क्या कहती है। अगर आपको पता है तो आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे, अगर आप थ्योरी भूल गए, फॉर्मूला भूल गए, तो समथिंग कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में दिक्कत आएगी। एक और क्वेश्चन आपके सामने देखिए, नेट प्रॉफिट कंपनी के हैं, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए इस बार, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो अगेन यू कैन सी दैट आर इज ग्रेटर देन के ई। कंप्यूट द अप्रॉक्सिमेट डिविडेंड पे आउट रेशो, कितना डिविडेंड पे आउट रेशो होना चाहिए टू कीप द शेयर प्राइस एट 42 बाय यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। क्वेश्चन ही घुमा दिया इस बार कि हमें शेयर प्राइस 42 रुपये रखना है तो कितना डिविडेंड पे आउट रेशो होना चाहिए। तो सी इट्स वेरी सिंपल, 30 लाख रुपये नेट प्रॉफिट है, प्रेफरेंस डिविडेंड 100 लाख का 12% कितना जाएगा, 12, तो बाकी किसके लिए बचेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, येस और नो? श्योर। कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं हाउ मच इट इज, 3 लाख। तो अगर कंपनी की अर्निंग्स 18 लाख बची हैं और कंपनी के 3 लाख शेयर हैं तो व्हाट विल बी द ईपीएस, इट इज गोइंग टू बी 6 पर शेयर, येस और नो? अब आपको कुछ नहीं करना, देखो जो फॉर्मूला आपके पास है प्राइस निकालने का ही है एंड दैट इज वेरी क्लियर, दैट इज डी प्लस आर के ई ई माइनस डी अपॉन में के ई। सो जस्ट पुट द वैल्यूज, ये आप पी ले लेंगे कितना चाहिए आपको 42, ठीक है। डिविडेंड आपको निकालना है तो डी ए ही रहेगा, आर आपको पता है, के ई आपको पता है, ई पता है, डी पता है, के ई पता है। जस्ट पुट द वैल्यू सिंपली, सी दिस इज 42, ये आपको निकालना है, दिस इज 0.20, 0.16, दिस इज 6 एंड डी आपको निकालना है। सो नाउ सी इफ यू विल सी दिस, सो 0.16 42 से जाके मल्टीप्लाई हो, सो दिस विल बी 6.72 और दिस विल बी, एक स्टेप इसमें कम है जिससे कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, इसलिए लिख रहा हूँ 0.16, 6 माइनस डी। ये ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ है देखिए, और ये 42 इंटू 0.16 करके आपका 6.72 जो है वो आ गया। नाउ 0.16, 0.20 इंटू 6 दिस विल बी 1.2 माइनस 0.20 डी, 0.16, 6.72, ठीक है। नाउ दिस विल बी 1.0752, 0.16, 1.2 माइनस 0.20 डी, इसके साथ यहाँ पे डी भी है, सॉरी। सो 1.2 माइनस 1.0752, 0.16 डी, 0.12 डी माइनस 0.4 होता है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 0.04 डी, ठीक है। वही चीज़ इन्होंने यहाँ निकाल रखी है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू आपके पास 3.12 आ जाएगी, मतलब इतने रुपए पर शेयर आपको डिविडेंड देना चाहिए। अब उसने ना पे आउट रेशो पूछी आपसे, डिविडेंड पे आउट रेशो, तो डिविडेंड पे आउट रेशो आप पढ़ भी चुके हैं, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इंटू 100, या आप रेशो एनालिसिस में देख भी चुके हैं, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इंटू 100, डिविडेंड पर शेयर इज 3.12, ईपीएस आपने निकाल लिया 16 इंटू 100, तो पे आउट रेशो आपका 52%। अगर ये लास्ट स्टेप आप नहीं करके आए तो एक नंबर आपका कट जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। तो देखिए बहुत सिंपल है, अगेन फॉर्मूला पता होना चाहिए, नथिंग एल्स। तो दो तरह के क्वेश्चन ही इसके ऊपर बनते हैं जो आपके साथ डिस्कस किए, फटाफट ये दोनों क्वेश्चन आप एक बार अपने हाथ से कर लीजिए, अपने आप करिए, जहां फंसे तब सॉल्यूशन देखे, तभी इन चीज़ों का फायदा होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल की अपनी अजम्पशन थी सारी इक्विटी है, कोई फर्म में डेट नहीं है, मतलब अगर लीवर्ड फर्म है तो उसके ऊपर गॉर्डन मॉडल लगेगा ही नहीं, अनलीवर्ड फॉर्म के लिए है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ग्रोथ रेट, रिटेंशन रेशियोज कॉन्स्टेंट हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ग्रोथ रेट से ज़्यादा है, सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जो हैं वो रिटेन्ड अर्निंग से फाइनेंस होते हैं, क्यों? क्योंकि इक्विटी आप डेट तो रेज कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनका मानना था ऑल इक्विटी नॉन डेट इन फॉर्म। तो ये चार assumptions और अगेन unrealistic assumptions हैं, आप देख सकते हैं। तो disadvantage अपने आप लिख लेंगे आप इसके, कि सबसे पहला कि levered form पे apply नहीं होता, practically IR के growth rate से सब constant हो ये जरूरी नहीं है। advantage में है easy to understand, और first advantage अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, अभी हम एक formula discuss कर लें उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब देखिए गॉर्डन मॉडल में बेसिकली इनिशियल थ्योरी है और बाद में एक और थ्योरी है। हम अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपने क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको ईपीएस गिवन है
या ईपीएस गिवन नहीं है, अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन में गिवन है या क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अकॉर्डिंगली यू विल यूज द फॉर्मूला। अगर ईपीएस गिवन है तो आप मार्केट प्राइस निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। ईवन वन माइनस बी के ई माइनस बी आर, ईवन इज ईपीएस, बी इज द रिटेंशन रेशो, तो वन माइनस बी विल बी द पे आउट रेशो। मतलब 40% अगर आपका पे आउट है तो 60% क्या होगा, रिटेन होगा। यस और नो भाई, जो भी ईपीएस आता है उसी में से तो आप एक पार्ट पे आउट करते हो और एक पार्ट रिटेन करते हो, तो बी इज रिटेंशन रेशो। तो वन माइनस बी एक तरह से पे आउट रेशो हो जाता है। तो अगर पे आउट रेशो क्लियरली गिवन है तो आप सीधे लिख देंगे, रिटेंशन रेशो गिवन है तो इट इज बी, तो वन माइनस करके लिखेंगे। के इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि नो डेट्स इन द फर्म तो इसे आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं। आर इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और यू कैन से रिटर्न इन्वेस्टमेंट। बी आर ए हमने स्टार्टिंग में देखा था ग्रोथ रेट। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब ईपीएस गिवन है। और इसके अंदर भी सेम चीज जो आपने बात की थी पहले, ग्रोथ है कब, अगर आर ज्यादा है के ई से तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो होगी जीरो, इक्वल है, कोई ऑप्टिमम रेशो नहीं है, के ई ज्यादा है आर से तो 100%। इट इज सेम एज वॉल्टर मॉडल, कुछ भी इसमें नया नहीं है। इस पे पहले क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेट प्रॉफिट, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, रिटर्न इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। गॉर्डन मॉडल से डिविडेंड पे आउट 25%, 50%, 100%। आपको प्राइस निकालना है जब डिविडेंड पे आउट रेशो इतना इतना है, सिंपल एकदम। नेट प्रॉफिट है, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, उसके बाद आ जाएगा आपके लिए इक्विटी के लिए कितना बचा, उससे ईपीएस आ जाएगा आपका। सी दिस 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 18 लाख, फिर नंबर ऑफ शेयर्स आपके 3 लाख हैं, तो ईपीएस आपका कितना आ गया, 6। द फॉर्मूला इज दिस। अब हेयर ईवन स्टैंड्स फॉर ईपीएस, यस और नो, ईपीएस आपका कितना है, 6 है। इसके बाद बी, द बी स्टैंड्स फॉर व्हाट, द बी स्टैंड्स फॉर रिटेंशन रेशियो। तो अब देखिए, बहुत ही सिंपल उन्होंने आपको बताया था कि पे आउट जो है 25% है, 50 है और 100 है। तो जब इन्होंने यही बता दिया पे आउट, इट इज पे आउट रेशो मीन्स 1 माइनस बी, तो आई थिंक रिटेंशन रेशो पे आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 माइनस बी क्या था वो हमने देख लिया था, इट्स पे आउट रेशो। जब वो गिवन है तो आप क्यों खामा खा चीजों को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। तो दिस इज 6, 1 माइनस बी दैट इज 0.25, फिर के इज दिस इज 0.16, ये आपको यहां पर गिवन है, यस और नो। इसके बाद दिस इज बी आर, अब बी आर, बी इज व्हाट, रिटेंशन रेशो। तो इफ 25% is payout, so 75% will be retention ratio, so B will be 0.75, and R here it is given, return on investment 20%, 0.2, so this will be 0.15, 0.16, 15, so this is 150. एकदम सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी, आई थिंक आप ज्यादा बेटर कर सकते हैं। If it is 50 तो 6.5, अगेन यहाँ पे बी, अगर डिविडेंड पे आउट 50 है तो रिटेंशन भी 50 होगा, इट्स आर, वैल्यू विल बी 50। इफ इट इज 100 मीन्स आप सारा का सारा डिविडेंड बांट देते हैं, 6 × 1.16, रिटेन आपने 0 किया, 0.2, दिस 37.50। तो आप देखें 150 पे जो है वो अभी हाल फिलहाल ज़्यादा आ रहा है, और खैर हमें तो तीनों पे ही निकालना था, हमने अपना काम कर दिया। ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब आपको ईपीएस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी को खुद रिवाइज किया और उसको बर्ड इन हैंड थ्योरी का नाम दिया, रिवाइज्ड डिविडेंड मॉडल बाय गॉर्डन। बर्ड इन हैंड थ्योरी की अजम्पशन थी कि इन्वेस्टमेंटर जो है वो रिस्क को अवॉइड करता है और वो डिस्काउंट करता है द वैल्यू ऑफ शेयर्स विच पोस्टपोन्स डिविडेंड एंड पे हायर प्राइस फॉर शेयर्स ऑन विच करंट डिविडेंड्स आर पेड। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो डिविडेंड को पोस्टपोन करती है, उसमें जब शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है तो डिस्काउंटेड वैल्यू पे इन्वेस्ट करना पसंद करता है, क्योंकि डिविडेंड वो डेफर कर रहे हैं। और ऐसी कंपनियां जो डिविडेंड दे रही हैं, लगातार डिविडेंड दे रही हैं, उनके लिए शेयर होल्डर ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो रिस्क अवॉइड करना चाहता है। ये इन्होंने बर्ड इन हैंड थ्योरी अपनी गॉर्डन मॉडल को रिवाइज किया।
इसको ही हमने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी बोला, जीरो ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ, वेरिएबल ग्रोथ, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखिए, DDM अगर लिख दिया जाता है या बर्ड इन हैंड थ्योरी, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ गॉर्डन थ्योरी। इसके अंदर जो फॉर्मूला इन्होंने दिया, इट्स विदाउट EPS, इसमें EPS की आपको ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आपकी पहचान ही यही होगी, EPS क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। अगर EPS गिवन नहीं है तो यू विल यूज़ दिस फॉर्मूला, P0 इज़ मार्केट प्राइस, D0 इज करंट ईयर डिविडेंड, G इज़ ग्रोथ रेट। अब देखिए, KE इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या कहना था कि अगर R ज़्यादा है KE से, तो शेयर प्राइस जो है वो बढ़ेगा एज डिविडेंड रेशो डिक्रीजेस, और अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी R से ज़्यादा है तो शेयर प्राइस डिक्रीज करेगा एज डिविडेंड पे आउट रेशो डिक्रीजेस। तो ये तो खैर वही चीज़ है जो आपने पढ़ी हुई है कि अगर R ज़्यादा होता है KE से तो इट रिप्रेजेंट्स ग्रोथ, और अगर ग्रोथ है तो जितना पे आउट रेशो जीरो रखोगे उतना शेयर प्राइस मैक्सिमम आएगा। वही चीज़ है एकदम, उसमें कुछ नया नहीं है। बस आपको मेन याद रखना है फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब EPS गिवन नहीं है, तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे, अदरवाइज यू विल गेट कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड कि इतने कब क्या करना है। थ्योरी में गॉर्डन मॉडल, एजम्पशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मार्केट प्राइस अगर EPS गिवन है, मार्केट प्राइस अगर EPS गिवन नहीं है, और EPS गिवन नहीं है इट्स अ बर्ड इन हैंड थ्योरी, जिसकी अपनी उन्होंने एजम्पशन ली कि इन्वेस्टर रिस्क अवॉइड करता है, और ऐसे शेयर को लेना जो डिविडेंड पोस्टपोन कर रहे हैं उसको वो लेना कम पसंद करता है, इसलिए उसको सस्ते रेटों पे लेना वो चाहेगा। अब फॉर्म क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नो ग्रोथ कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, कंप्यूट द करंट मार्केट प्राइस। टेल मी EPS गिवन है या नहीं? नो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? D0 1 प्लस G, KE माइनस G, ये फॉर्मूला लगेगा। अब इट्स अ नो ग्रोथ कंपनी, सो ग्रोथ इज गोइंग टू बी जीरो। नाउ डिविडेंड इज 5 एंड KE इज हाउ मच? 0.1, सो 5 डिवाइडेड बाय 0.1, 5 बाय 0.150। एक्चुअली इन्होंने D बाय KE कैसे लिख दिया, क्योंकि ये तो G तो जीरो हो गया, यहां भी जीरो हो गया, तो D0 बाई KE इन्होंने सीधे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये लिखें ऐसे लिखें एक ही बात है। शेयर कैपिटल है इतनी, डिस्ट्रीब्यूट्स करंट डिविडेंड ऑफ 20% पर एनम, मतलब ₹2 पर शेयर, एनुअल ग्रोथ रेट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, कैलकुलेट प्राइस ऑफ शेयर अप्लाइंग गॉर्डन मॉडल, ग्रोथ मॉडल, गॉर्डन का ग्रोथ मॉडल से आपको निकालना है। तो D0 1 प्लस G, KE माइनस G। सी, डिविडेंड पर शेयर इज 20%, तो जो फेस वैल्यू है उस पर डिविडेंड जाता है, ये आपको पता ही है, 2 पर शेयर हो गया। उसके बाद एनुअल ग्रोथ रेट इज 2%, यू कैन राइट इट 0.02, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 15, दैट इज 0.15, जस्ट पुट द वैल्यूज, सो इट विल बी 15.69। समझ में आया? एकदम सिंपल है। आप देखिए, नो EPS इन द क्वेश्चन। अ फर्म हैड बीन पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर लास्ट ईयर, द एस्टिमेट ग्रोथ ऑफ द डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी टू बी 5% पर एनम, डिटरमाइन एन एस्टिमेट मार्केट प्राइस इफ द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज 8, फॉल्स टू 3%। ओके, तो आपको निकालना है एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस अगर ग्रोथ 8% और 3% है, ठीक है, देखते हैं इसे। ऑल्सो फाइंड द प्रेजेंट मार्केट प्राइस पर शेयर, प्रेजेंट मार्केट पर शेयर भी निकालना है। तो प्रेजेंट मार्केट में तो अभी ग्रोथ रेट 5% है, मतलब तीन केसेस हो गए, ग्रोथ रेट 5% है, ग्रोथ रेट 8% है, ग्रोथ रेट 3% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी गिवन है KE। क्वेश्चन में EPS गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बस खत्म। इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अदरवाइज यू विल गेट कम्प्लीटली कन्फ्यूज इन द एग्जाम। नाउ डिविडेंड इज 2, 1, ग्रोथ रेट इन द फर्स्ट केस इज 5%, 0.05, KE इज 0.15, 0.05, दिस विल बी 21। 8% हो जाता है, 1.08, 0.15, 0.08, दिस विल बी 30.86। एंड अगर फॉल हो जाता है 3% तक, तो 2, 1, 0.03, 0.15, 0.03, दिस विल बी 17.17। आप देखिए, कुछ भी नहीं है, इतना तामझाम अगर आप इसे देखें तो सिर्फ ले देखें दो चीज़ें, विदाउट EPS यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला,
With EPS, you have to use this formula in Watt Gordon's model. Or advantage यही dividend discount model relates present stock price with present value of its future cash inflow. क्योंकि इन्होंने जो नई theory दी थी bird in hand, उसमें उन companies को preference थी जो dividend देती हैं और shareholder उसी company को preference देता है और जो companies dividend avoid करती हैं उनके share को वो discount करता है, मतलब सस्ते रेटों पे लेना चाहता है, तो एक ही कहीं ना कहीं relevant theory थी. So this is what we can call as Gordon's model. Important from examination point of view. And बस दो ही चीज आपको जो इसमें मेन ध्यान रखनी है कि फॉर्मूला कब कौन सा यूज होगा. चलिए अब बात करते हैं ट्रेडिशनल मॉडल्स की, जिसमें ग्राहम एंड डॉट मॉडल सबसे पहले आता है, जो कि कहता था कि डिविडेंड देना हमेशा बेटर है ओवर रिटेन्ड अर्निंग्स. अपना ही फॉर्मूला इनकम, पी इज मार्केट प्राइस, उसके बाद एम इज मल्टीप्लायर. दिस इज समथिंग विच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. मल्टीप्लायर इज सिंपली मीन्स कि कितना आपका जो शेयर प्राइस है वो इफेक्ट होगा कितने टाइम्स. डी इज डिविडेंड पर शेयर, ई इज अर्निंग पर शेयर एंड डिवाइडेड बाय 3. ये इनका फॉर्मूला था अपनी कुछ एजम्पशंस पे. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. इन्फॉर्मेशन सारी गिवन होगी, कुछ निकालना नहीं होगा. अर्निंग पर शेयर इज 30, डिविडेंड पे आउट 60% मल्टीप्लाई टू डिवाइड डिटरमाइन द प्राइस एज पर ग्राहम एंड डॉट मॉडल. सो दिस फॉर्मूला इज दिस एम डी प्लस ई बाय 3, दिस इज 30, पे आउट इज 60%, सो दिस विल बी 18 एंड मल्टीप्लायर इज 2, सो दिस विल बी 56. तो एक दो नंबर में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. वैसे जनरली एमएम अप्रोच वॉल्टर और गॉर्डन पे रखा जाता है क्योंकि वो ज्यादा इससे तो प्रैक्टिकल नजर आते हैं. उसके बाद अगेन मार्केट प्राइस इज दिस डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लायर अकॉर्डिंग टू ग्राहम एंड डॉट अप्रोच टू द डिविडेंड पॉलिसी कंप्यूट द ईपीएस आपको निकालना है. सो फॉर्मूला इज दिस प्राइस, ये मार्केट प्राइस आपको गिवन है एंड मल्टीप्लायर इज गिवन, डिविडेंड इज 5, ई यू हैव टू फाइंड 3. सो ऑन सॉल्विंग दिस यू विल फाइंड आउट द ईपीएस एज रुपीज 10. तो दिस इज ग्राहम एंड डॉट मॉडल और बहुत ही एकदम सिंपल सा फॉर्मूला. That is M D plus E by 3. E will be given, D will be given, M is the multiplier that will be provided by the question itself. Then there is a Linter's model in the traditional model. Linter's model क्या कहता था कि जो current year का dividend है वो dependent है current year की earnings पे और last year के dividend पे, कि आपने last year कितना dividend दिया और current year की earnings कैसी रही उसके हिसाब से आप जो है current year का dividend decide करते हैं. It's वेरी मच ट्रू इन थ्योरी टर्म्स. सो D1 इज द डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू पे, D0 इज हेयर डिविडेंड पेड और यू कैन से डिक्लेयर्ड इन द लास्ट ईयर. EPS इंटू टारगेट पे आउट क्या है आपका माइनस D0 और होल मल्टीप्लाई बाय AF, दैट इज द एडजस्टमेंट फैक्टर दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. एडजस्टमेंट फैक्टर विल बी डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी की किस हद तक हमें इस साल कंसीडरिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट सिचुएशन को एडजस्ट करने की जरूरत है. गिवन द लास्ट ईयर डिविडेंड इज 0.980, दिस इज D0, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट इज 45%, टारगेट पे आउट इज 60, EPS इज दिस, कंप्यूट करंट ईयर डिविडेंड यूजिंग लिंटर्स मॉडल. सो फॉर्मूला इज दिस, जस्ट पुट आउट द वैल्यूज, दिस इज 0.0545 एंड D0 इज 9.80, EPS is how much? 20, target payout is 60, so 20 and 60%, and this is again 9.80. So this year dividend is going to be 10.79. So this is what Linter's model and Graham and Dodd model under traditional model. Question aane ke chances thode kam hai, but you cannot ignore from examination point of view. Thereafter, there is a stock split on which a theory question can be asked कि what exactly is stock split. तो जब आप एक शेयर को बहुत सारे शेयर्स में स्प्लिट करते हैं तो that is called as stock split. Advantage ये होता है कि इससे शेयर आपका affordable हो जाता है. Suppose बड़ी companies होती है जिनके जैसे 10,000 का शेयर, अब शायद कोई 10,000 रुपये का एक शेयर ना खरीदे, बट अगर ये 10 शेयरों में स्प्लिट होकर 1,000 रुपये का हो जाए तो लोग इसे खरीदने की सोचे. नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीज, नंबर ऑफ शेयर होल्डर विच इन टर्न इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल. देखो होता क्या है, जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, सपोज कंपनी के अभी 1,00,000 शेयर्स थे और बढ़ के 10,00,000 शेयर्स हो गए, तो 10,000 वाला शेयर घट के कितने का हो गया, 1,000 का,
तो नए इन्वेस्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं, जब छोटी वैल्यू होती है तो छोटा छोटा अमाउंट आता है जिससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें, स्टॉक स्प्लिट करने पे जो खर्चा आएगा पूरा का पूरा, और उसके बाद क्या होता है जब मार्केट में वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, जैसे पहले तो 1 लाख शेयर थे अब 10 लाख हैं, तो वॉल्यूम बढ़ गया, इसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, तो उससे स्पेकुलेटर्स मार्केट में आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे आप देखें MRF के शेयर्स कभी मार्केट में देखें तो उसमें इतना वॉल्यूम नहीं होता क्योंकि शेयर बहुत महंगा है, 50,000 प्लस का शेयर है, और अगर वहीं आप छोटे शेयर्स में आ जाएं लाइक मिड कैप में आ जाएं, अपोलो टायर्स में आ जाएं या समथिंग लाइक दैट, तो अंडर 500 के शेयर्स हैं अभी, तो इसके अंदर वॉल्यूम आपको बहुत देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा है, स्पेकुलेटर्स बाइंग सेलिंग करके प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं। तो स्टॉक स्प्लिट पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है थ्योरी नोट 2 से 3 नंबर का। तो ये था आपका चैप्टर, दैट इज द डिविडेंड डिसीजन, समवॉट थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। आप देखें फॉर्मूले इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखने पड़ेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी होगी। उसका एक ही तरीका है, एक शीट पे सारे फॉर्मूले लिख लें और उसको रेगुलर देखते रहें, 5-6 फॉर्मूले हैं, उससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत एग्जाम में नहीं आएगी।